इसको इसमें डाल दें और करना पड़ेगा। ग्लूकोज भी शाइनिंग के लिए होता है, शामिल होता है, मदद से इस तरीके से उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। तिल की गज्जक सर्दियों में किस तरीके से तैयार करके आप उसका कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से खवातीन घर में बना सकती हैं अपने फैमिली के लिए, मुकम्मल गाइड करने वालों मेरे भाइयों तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर लिया। एक पाव तिल, 250 ग्राम तिल, ठीक हो गया। अरे मेरे इसके तरफ, चेहरे की तरफ का मेरे भाइयों, मेरी बात तुसी इधर उधर देखते हो ना, मैं डिस्टर्ब हो जाना, तुसी मेरे वाल देखो, इधर मेरे वाल देखो, मैं की समझा रहे हैं। तिल ले लिए एक पाव 250 ग्राम, इसको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मकसद ये है, थोड़े से खस्तापन हो जाएंगे और थोड़े से फूल जाएंगे, ठीक हो गया, इसलिए हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको इसमें डाल दें और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसको रोस्ट करूंगा, ताकि अच्छे तरीके से थोड़े से खस्ता भी हो जाए, फूल भी जाए और कमाल के तैयार हों तक, ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। इसके साथ का बॉल ले लें, इसमें शिफ्ट कर दें, ठीक हो गया। अब इसी पैन को यहाँ पे रखते हैं, गुड़ ले लेंगे, मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम गुड़ है, ठीक हो गया, इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डाल दें, हल्का सा, हमने इसको मेल्ट करना है बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं डालना, और इसको सारे गुड़ को मेल्ट करना है। ये लें जी, गुड़ में हमारा मेल्ट हो गया है। हमने इसको एक तार से पहले रोक लेना है, एक तार की तरफ लेके नहीं जाना। अगर आप चीनी में बना रहे हैं तो एक तार का शीरा बनाएंगे, बात समझ आ गई आपको। इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून भर के देसी घी डालना चाहते हैं, घर में बना रहे हैं वो डाल लें, अगर मार्केट के लिए बना रहे हैं 1 टेबलस्पून शामिल कर दें। एक सिंपल घी जो होता है ये शामिल कर दें और इसके अंदर घुमा दें इस तरीके से। ये मेरे पास 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ थी, इनको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया, ये शामिल कर दें टेस्ट के लिए, बहुत कमाल की। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हिला लें, तब तक ये हमारा होता है। इसके साथ का एक सांचा ले लें, स्टील का बर्तन कोई भी ले लें स्टील का, इसके ऊपर ऑयल डाल दें थोड़ा सा, इसको ग्रीस कर दें ऑयल को सारे को, ठीक हो गया। ये लीजिए, अच्छे तरीके से ग्रीस करके ये तिल जो हमने रोस्ट किए थे हल्के से उठाएं, इस तरीके से नीचे डाल दें, इस तरीके से, गल समझ आ रही है मेरी बात पे, इस तरीके से, इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए, इस टाइम पे आके आंच नीचे जलती रहेगी, स्लो आंच है दम वाले, ठीक है। तिल डाल दें अच्छे तरीके से साफ करके इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और 1 से 2 मिनट हम इसको इसमें कुक करेंगे बस। जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी उस टाइम हम फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक हो गया। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भी ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी, इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें, इसको उठाएं, इसके ऊपर इस तरीके से शिफ्ट कर दें, और इसको अच्छे तरीके से फैला दें। और जो बड़े लेवल पे बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर ग्लूकोज भी शामिल होता है, मीठा सोडा भी शामिल होता है। अगर आप 2-3 किलो के 4 किलो के बनाना चाहेंगे फिर आपको वो शामिल करना पड़ेगा। ग्लूकोज भी शाइनिंग के लिए होता है, शामिल होता है, और मीठा सोडा भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, जो कमर्शियल लेवल पर बनाते हैं। अगर घरों में बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना लें, ये बात आपके जहन में रहे। और कितनी पतली रखना चाहते हैं ये चीज़ भी आपके जहन में रहे, आप इसको सेट कर लिया करें, ठीक हो गया। ये इस तरीके से इसको कर लें और इसको इस तरीके से सेट कर लें, इस तरीके से 5 से 6 मिनट ठंडा होने दें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी, इस टाइम पे आके ना, जब ये थोड़ी थोड़ी हार्ड होनी शुरू हो जाए, इस टाइम पे आके आपने छुरी की मदद से इसको अपने हिसाब से कट लगा लेने, इस तरीके से, ठीक है, नोकदार छुरी हो इस तरीके से इसको कट लगा लें, ये देखें इस तरीके से, ताकि ये जब दोबारा हार्ड की तरफ जाएगी तो ये दोबारा से ये कट नहीं लगेंगे, इसलिए इसको इस कंडीशन में लगा लें 5 मिनट के बाद, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से इसको लगा लें ऐसे। इसको ऐसे चेंज कर दें, यहाँ पे इस तरीके से लगाएं इसको, ये देखें इस तरीके से, जिस साइज की आप टुकड़ियाँ पसंद करते हैं उस साइज की भी बना सकते हैं, ठीक हो गया, इस तरीके से। ये लीजिए, हमने निशान लगा दिए, अब इनको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये मुकम्मल तरीके से ठंडी हो जाए और हार्ड हो जाए, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से किसी भी चीज़ छुरी की मदद से इस तरीके से उठाएं, ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गिफ्ट बन गया, ठीक हो गया, सारी इस तरीके से कट लिया है, देखो आराम से निकल आएगी, ये देखें इस तरीके से,
ये देखो इस तरीके से। ये देखो आराम से निकल आएगी, खस्ता जबरदस्त कमाल की तैयार हुई है। मेरे भाइयों कारोबार किया करो, अगर आपको हमारी ये रेसिपी गज्जक वाली अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें दोस्तों में रिश्तेदारों में, ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचे। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में मेरे भाई याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।